कितनी जीएफ है आपको? आई गेस 45 होंगी। अस्तागफिरुल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात जरूरी बता दूं, मेरे यार का सॉन्ग अपलोड हो चुका है, रैप किड अरफात, बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग गाया उसने, जूनी जूनी, एक बार चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय क्यूएनए सेशन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फाइनली आज हमने टाइम निकाल दिया। मैंने इसको बोल दिया कि आज हम क्यूएनए सेशन बनाएंगे, तो आज मैं खाली यूट्यूब से क्वेश्चन नहीं, आज मैं इंस्टाग्राम से भी क्वेश्चन पिक करने वाला हूँ। तो आप रेडी हो? तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का क्यूएनए सेशन। तो पहले मैंने यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन पिक किए, ज़्यादा नहीं किए, कम ही किए, क्योंकि आपको पता है वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन यूट्यूब से है, लोन इरफान बोल रहे, भाई आपकी क्रिकेट टीम का नाम क्या है? मैं इरफान हूँ कुपवारा, मेरी क्रिकेट टीम का नाम क्या है? पता नहीं भाई, मैं डिफरेंट टीम्स में खेलता हूँ, लेकिन जो मेरी टीम का नाम है उसका नाम है अल्टीमेट शील्ड्स। तो भाई ये मेरा फेवरेट नेम है, हम हमेशा ही नाम रखते हैं टीम को। तो दूसरा क्वेश्चन किया है मुदस्सिर मल्ला ने, अपनी मम्मी को फ्रॉक सूट गिफ्ट दो, लव फ्रॉम हंदवारा। तो इंशाल्लाह भाई व्लॉग में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अपनी मम्मा को फ्रॉक सूट गिफ्ट दूंगा, प्रॉमिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माई लव, भाई अपनी गाड़ी कितने में ली थी? मतलब मेरी गाड़ी के बैलेंस हो, भाई जो मेरी गाड़ी थी उसकी बिल हो गई थी 4,85,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर समरत, यही है शायद। अस्सलाम वालेकुम यावर भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप माशाल्लाह 3 बार बोलो, लव छे ऑलवेज, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साहिल क्रिएशन ने, बाल यारों का असली नाम क्या है बोलो? अरफात वानी। अरफात रफीक वानी है इसका असली नाम, तो बार बार मत पूछना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लोन इफरान ने, भाई लोन इफरान हूँ, ये तो मुझे कुपवारा में मिले थे, ये वही बोल रहे हैं आपको याद है, तो ये आज बेमना में आए पढ़ने, तो मुझसे मिलना चाहते। तो भाई मैंने आपको बोला है कि जब आपको टाइम आए होगा तो आप मुझसे मिलना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साहिल जोहर ने, अस्सलाम वालेकुम यार भाई, मुझे ये बस बोला आप ठीक हो, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप घर में मेरा सलाम देना हर एक मेंबर को। तो भाई आपके सलाम का जवाब मैं दूंगा, मैं अपने घर वालों को बोलूंगा। तो ये थे यूट्यूब के कुछ क्वेश्चन, इंस्टाग्राम से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आए, तो आज उनको ही ज़्यादा पिक करने वाला हूँ मैं। और यूट्यूब से एक क्वेश्चन आया था कि प्रैंक कॉल टू मेन टास, वो ज़्यादा प्रैंक कॉल करते हैं ना लोगों को, मैं तो उसको प्रैंक कॉल नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ से मैं उसको डरा सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ एक मतलब मसला हुआ है, तो मैं उसको थोड़ा डरा सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा। और मेरी जो भी प्रैंक कॉल होती है आज तक स्क्रिप्टेड नहीं होती, तो मैं इसको डराने की कोशिश करूँगा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ठीक बच्चू? शुक्र अल्लाह, तुझे सर ठीक। सवंत भाई उससे प्रमोशन करना बुलबुलस, ये केम ही उसने चक कोरमज मैसेज, मतलब जसने करमज बुलबुलस प्रमोशन, दमे चक केम नफर ने बुथ करमज मैसेज, ڈسکرپشن لنک ترمچ زم فراڈ تو ٹھیک پتہ فراڈ مے وچھنا رات یہ لنک مے کر ات پہ تو پتہ اس پڑھا یوٹیوب ات پہ ہکا چینل یہ گھس ہیکس تہ نا کشمیری کل خرابس پتہ کز لٹ گئی سٹرائک ات کن بہ رات کر مے وون تمہ نا بس کر تمہ دب نا نہ اچھا مین ٹاس دسمچ تھاو تیل ساری تیل گئی می غلطی اخ منٹ پیار اتھے کن روز اتھے کن بہ وچھے لائیو سٹریمنگ ٹھنا یہ رات لوگو بدلومت یہ چینل نو ٹھیک سبسکرائبر اس یہ تھی ہاں دہی تجی ساس اچھا دہی تجی ویڈیو مگر یہ تھی یاد دون گھنٹن اندر گھس یہ چینل ٹرمنیٹ غلط ٹھیک دینی لنک ڈسکرپشن منو بلا تو وہ کر بے وا میں میچ گوڑ ونان ٹھیک پانے کار کار اد مطلب ٹھنا گوڑ وچن بت کس نا سہ نا وہ مسلسل ثر جلدی ڈیلیٹ کر ویڈیو فاسٹ
बोला था तिलक में गलती एडमिन एडमिन तमिस क्या निंद्र कर सर अंग तो मंगे चैनल हैक यह याद बॉक्सन वीडियो अंदे तेल डिलीट कर सिस्टम कर्म सेव कर अंदे तेल वीडियो पत् खाल दो त्रे दिन नए हुई कूत टाइम गे ठनक डिलीट कर ठन हल वे कर चैनल पान से हेलो मारो मुझे मारो मगर अगर बहुत ना मोहम्मद यूसुफ नेचु अमुक टकोर कर वापस यार भाई ओ ये रियल टकोर जिगर मगर चकोर में रियल टकोर रियल ब्रो कमान जानी दृत चानी सर इजरी सरान मे पता तो मेना पता पता चकुस दोन मे टर्मिनेट चैनल बहुत वन ड्रेवरस मे अखे ये पत्थर चलो चलो शोर तो आपने देखा ये लोगों को टकोर करते हैं आज इसके रियल टकोर हो गए और आई स्वेयर ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह रियल था मैं कोई फेक नहीं करता हूँ क्योंकि इसने कल सो किया था वो ऐड इसको इस रिलेटेड मैंने डराया तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्यों बाले रो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आदि आरिफ ने बोला है जो कि अल्टीमेट राउंडर के अगर तुम हमारे एरिया के प्रेजिडेंट होते तो क्या चेंजेस लाते अगर सीनस एरिया में बया कि चेंज आस कर ऐसा कर चेंज अगर ऐसा सी एम बन कुछ नहीं ओ क्यों चेंजेस क्या आना मतलब से क्या बात है ये कमी कमीया सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पावर का प्रॉब्लम होती है ट्रांसफार्मर का जुगाड़ कर लेता उसके बाद एक क्रिकेट ग्राउंड जरूरी होना चाहिए हाँ, था हाँ, हाँ वहाँ पर हम उधर खेलते वहाँ पर फिर मारते क्रिकेट ग्राउंड और मतलब और एक क्या फैसिलिटी होनी चाहिए थी और क्या स्विमिंग पूल एक तो आरिफ भाई जो मतलब नीड होती तो वही चेंज करता ये दो चीज़ मैंने बताई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उन फुरकान ने ब्रो बालियारो दरसगाह क्यों नहीं जाता है भाई ये जाता है लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं जाता है वरना ये जाता है वो पीछे है दरसगाह जाता है वहाँ भाई जब आप थर्ड पार्टी ऐप्स का प्रमोशन करते हो आप कितना मिलता है भाई एक्चुअली देखो भाई यूट्यूब का प्रमोशन होता है मैं किसी एप्लीकेशन को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो एप्लीकेशन आपके लिए बेनिफिशियल हो उसी को प्रमोट करता हूँ वरना मेरे पास और बैटिंग ऐप्स भी आते हैं मैं उनको डायरेक्ट मना करता हूँ जो मुझे बेस्ट लगती है उन्हीं को मैं प्रमोट करता हूँ फिर वो क्या देते मतलब गुजारा चल निकलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तौहीद नजार ने यावर भाई आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है इंस्पिरेशन लव यू भाई मैंने आपको बोला अमित बड़ाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एरर बट ईमान ने चुचुक म्यून जू बिग फैन थैंक यू सो मच भाई तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये पूछा है मुस्कान रहमान ने गिल हेलन से शादी कब करोगे गिल हेलन वो एक्चुअली हमारा एक सीरियल था उसमें मेरी बीवी के नाम गिल हेलन था तो जब टाइम आएगा तब कर लूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अहमद आकी ने लोलाब कब आओगे ब्रो इंशाल्लाह भाई जैसे ही विंटर ख़त्म हो जाएगा मैं आऊँगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई डी लॉकर ने यार भाई अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं स्टार्ट करने से पहले तीन बार अल्लाह अकबर भाई सॉरी फॉर दैट आपकी कमेंट लेट पड़ी इसलिए क्यों नहीं से पहले मैं स्टार्ट नहीं कर पाया तो अभी पढ़ूंगा पढ़ो तुम अल्लाह अकबर तीन बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैजू ने और अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब अता करे मेरी दुआ आपके साथ है थैंक यू सो मच भाई लव यू नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बाय द वे आई एम माजिद जे एंड के में किस यूट्यूबर से ज़्यादा सब्सक्राइबर है भाई अगर मतलब जे एंड के की बात करें मैं कश्मीर की बात करूँगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा आई थिंक माही आमिर की चैनल को है और सेकंड नंबर पे हमारी है जम्मू एंड कश्मीर में मुझे नहीं पता भाई हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑफिशियल गनाई ने भाई आपने जो सॉन्ग अपलोड किया आपने चैनल पे क्यों नहीं किया भाई वो उसी का सॉन्ग था इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सॉन्ग आएगा वो आप मेरी चैनल पे आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेख बासित ने अस्सलाम वालेकुम भाई फ्यूचर का प्लान क्या है क्या व्लॉगिंग कंटिन्यू करोगे भाई फिलहाल व्लॉगिंग कंटिन्यू करोगे या सिंगिंग भाई फिलहाल मैं चल रहा हूँ मिक्स में आगे जाके देखेंगे
हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीनत ने, बाल यारों की यूट्यूब चैनल कब बनाओगे? भाई जब सही टाइम आया जाएगा तब, हमें प्लान है क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अरसलान अल्टीमेट ने, भाई अगर तेरे घर वाले बोलेंगे यूट्यूब पे काम करना बंद कर, तू क्या करेगा? भाई मेरे अभी स्टडी भी कर रहा हूँ, स्टडी चल रही है, तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर लेगा। अगर नहीं नौकरी तो लगो तेल छ बिजनेस ऐसा कर कहना क्या दुकानदारी वकानदार बनो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई एम वसीम मीर, सवाल सुनिए क्या है, कितनी जी एफ है आपको? आई गेस 45 होंगी। अस्तग़फिरल्लाह। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आपने क्या समझ रखा है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आई एम मोहसिन ने, मेरे लिए एक लाइन मोहसिन छु बंडपोरुक, मोहसिन छु बंडपोरुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीर फरहान ने, आपका ननियाल कहाँ पर है? भाई मेरा नाल पंजी नारा, जहाँ पे शौकत भाई रहते हैं। आप किस क्लास में थे जब आपने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की? भाई 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पनु नंबर दिए ज़रूर, तो नंबर नहीं दे सकता भाई यहाँ पे, तो कैसे दे सकता हूँ भाई, आप ही बोलो। और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम यूट्यूब से, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कश्मीरी टैलेंटर ने, रमीज़ राजा बोलता है मुझे यावर भाई के साथ सॉन्ग कोलेब्रेशन करना है, आंसर। तो रमीज़ उसका छोटा भाई है, मैं उनके वीडियोज़ देखता हूँ, फ़नी है। तो रमीज़ भाई आपको जब टाइम आएगा तो आपके साथ ज़रूर गाएंगे, क्यों नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राहिल शाह ने, आपने एग्ज़ाम दिया था ब्रो, रिजल्ट द्रावा किन्ना? भाई फर्स्ट सेम का निकला, उसमें से मेरा एक पेपर रिपेयर आ गया था, उसका मैंने रिवॉल्वेशन कर लिया सबमिट, और थर्ड सेम का पहला पेपर मैं दे रहा हूँ, दो पास हुए थे, उर्दू का हो गया था, उर्दू मेरा कमज़ोर हुआ था उस दिन, आपको पता ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आज के लिए एनएफ, क्योंकि आज प्रैंक कॉल भी हो गई, तो इसी का दूसरा पार्ट, इन्हीं क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी मैं बनाऊंगा इसी हफ्ते जब टाइम आएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तुम्हें कुछ बोलना है? तो ये कुछ बोलना चाहता है बोलो आप। मैंने कहा बोलना, आप कुछ बोलना चाहते हो? तो इसका नाम अरफात अहमद वानी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या लगता है, तो बड़े भाई का बेटा है और इसका नाम अरफात रफीक वानी है। तो आज के इस Q&A सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बड़ा होता है फिर प्रैंक कॉल भी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया, मेरा भी सॉन्ग आने वाला है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो, हाँ 30K जल्दी कर दो, के यावर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट Q&A सेशन, जल्दी करो फिर पाड़ी होगी। ओके तो आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम। बस चोन मोहब्बत आसिहा, वरान इत पर जिंदगी जिंदगी।